हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग तो आज का वीडियो होने वाला है फुल डे ऑफ ईटिंग ड्यूरिंग फैट लॉस एंड वेट लॉस बट इसमें अब हम सिर्फ वेजिटेरियन खाएंगे क्योंकि आज ट्यूसडे था तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेता हूं जिससे कि काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी जो वेज जो वेज वेज है जो सोचते हैं कि हम क्या खाएँ क्या कहाँ से अपना हम जो अपना न्यूट्रिशन वैल्यू है वह कैसे पूरा करें तो आज मैं बताऊँगा आपको जो मील्स लूँगा जितनी मेरी मील्स होगी वो फाइव टू सिक्स मील्स होगी वो सारी वेजिटेरियन होगी तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं अगर वेजिटेरियन है काफ़ी हेल्प होगा आपको वेट लॉस और फैट लॉस जर्नी में तो पहले हम अपना वेट चेक कर लेते हैं कितना है सेवनटी नाइन पॉइंट एटी फाइव दे सकते हैं आ रहा है। तो गाइस वेट सेवेंटी एटी फाइव पिछले से सौ दो सौ ग्राम ज़्यादा पर मैं इतना दुखी नहीं हूँ क्योंकि मैंने बीच में एक हफ्ते के लिए स्किप भी किया हुआ था जिसमें मेरा कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं था कोई प्रॉपर डाइट नहीं थी कोई प्रॉपर वर्कआउट नहीं था मैं अपना प्रोटीन गोल हिट नहीं कर पा रहा था जो सबसे मेन चीज़ होती है फैट लॉस के टाइम पे इवन कि मैं अपने प्रोटीन गोल का हाफ भी हिट नहीं कर पा रहा था मैंने सिर्फ वहाँ पर जाकर जो मिल रहा था वो खाया जा रहा था कोई इसमें मैं न्यूट्रिशन नहीं देख रहा था क्योंकि तब एटमॉसफेयर ऐसा था ऐसा ही माहौल बना हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ मैं कहीं गया हुआ था काम से तो उतनी मेरी डाइट बिगड़ी नहीं उतना मेरा मतलब बॉडी बिगड़ी नहीं दो सौ सौ ग्राम मेरा एक्स्ट्रा वेट चढ़ा हुआ है पर ज़्यादा नहीं जड़ा हुआ है पर और मैं एक हफ्ते से जिम भी कर रहा हूँ तो काफ़ी हद तक मेरी बॉडी शेप में आने लग गई हुई है तो वेट चेक कर लिया हुआ है अब हम अपने बनाएंगे मील्स ठीक है अब हम मिलते हैं किचन में किचन में नहीं सॉरी मैंने मील्स एक्चुअली प्रिपेयर कर रखी है अपनी मैंने एक वो थी ओट्स मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ओट्स मील ठीक है ना तो गाइज़ ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है ब्रेकफास्ट में दिखाता हूँ मैंने लिया हुआ है सिंपल है बिल्कुल ओट्स लिए हुए हैं और उसमें थोड़े एलमंड्स है थोड़ा कैशिवस है थोड़े वॉलट्स है और एक टेबल स्पून पीना बटर है तो सिंपल ब्रेकफास्ट है आप ही ले सकते हैं आप इसी जगह कोई चपातीज या जो भी सब्जी होगी साथ में कोई भी दाल होगी लेंटिल्स होगी वो आप ले सकते हैं तो मैंने ये लिया हुआ है क्योंकि ओट्स मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं तो मैं ब्रेकफास्ट में इसे ही खाना पसंद करता हूँ जब मेरा ट्यूज़े होता है या फिर ऐसे भी मैं हफ्ते में दो तीन बार तो खा ही लेता हूँ बट आज ट्यूज़डे तो आज यही मेरे पास ऑप्शन है एक ऑप्शन तो बहुत सारे हैं बट पर मेरे लिए क्योंकि मेरा फेवरेट मेरा यही है तो मेरे पास ऑप्शन ही है जो फेवरेट्स में से ओट्स ओट्स में थोड़ा आप अपना वैरायटी बना सकते हैं आप इसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं अगर आप शुगर नहीं छोड़ सकते मतलब तो उस जगह हनी ऐड कर सकते हैं शुगर की जगह अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो यही था मेरा आज का ब्रेकफास्ट अब मैं आपसे मिलूँगा अपने स्नैक टाइम में जो स्नैक मेरा होगा अराउंड साढ़े ग्यारह बारह बजे मैं तब आपको मिलता हूँ अपने स्नैक टाइम में ठीक है गाइस तो गाइस टाइम हो गया हमारा स्नैक्स लेने का स्नैक्स में भी जैसे फैट लॉस और वेट लॉस में काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी होती है जैसे कि तुम्हारा जो कैलोरीज इनटेक है वो बराबर होना चाहिए मतलब कि तुम हमेशा कैलोरीज डेफिशिएट में खाओ और कोशिश करनी है कि अपने आप को फुल रखने की जैसे तुम्हें कम भूख लगे हो तुम कम कैलोरीज खाओ तो हमें कोशिश करना होता है कि जब तुम्हारा स्नैक्स हो या जब तुम रात का डिनर हो तो थोड़ा फाइबर ज़्यादा इंक्लूड करना होता है ठीक है मैं रात को ज़्यादा फाइबर खाना पसंद नहीं करता हूँ आई डोंट डों बिकॉज थोड़ा ब्लोटेड फील होता है मैं सिंपल जो खाना होता है घर में जो हमारी मेरी मील होती है वो बना के खा लेता हूँ पर फाइबर जिनमें बड़ा कंज्यूम कन, करता हूँ जैसे फ्रूट्स हो गए सैलड हो गए तो भी स्नैक्स में वही मैं एक औरज लेने वाला हूँ आप कोई भी एप्पल ले सकते हैं या आधा बनाना ले सकते हैं फुलली लेना आपने क्योंकि कैलरीज ध्यान में रखनी है काप्स ध्यान में रखने हैं तो आप एप्पल ले लीजिए हाफ एप्पल ऑरेंज पाइन जो भी आपको फेवरेट फ्रूट है वो ले सकते हैं आप पर अकॉर्डिंगली आप कोई भी फ्रूट लीजिए तो पहले उसका एक न्यूट्रिशन वैल्यू ज़रूर चेक कर लेना आप ऑनलाइन कि कितनी कैलोरीज है कितने उसमें काब्स यहाँ जो भी आपका शेड्यूल डाइट का वो है तो जैसे मैं और ले रहा हूँ ना ज़्यादा कैलरीज है फाइबर भी अच्छा मिल जाता है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है तो ये था हमारा स्नैक अब मैं अपनी जो मेरा लंच होगा लंच में अपना करीबन दो से ढाई बजे के करीब करता हूँ तो मैं अब लंच में मिलता हूँ को दिखाता हूँ मैं क्या बनाता हूँ ठीक है गाइस तो गाइस टाइम आ गया हमारा लंच करने का चलते हैं किचन में देखते हैं लंच में आज हम क्या बनाने वाले हैं तो गाइस आज हम करने वाले हमने लिया अपना पनीर हंड्रेड ग्राम इसको छोटे छोटे पीसी में कट कर लेते हैं फिर देखते हैं इसको या फिर ब्लैक पेपर या थोड़ा ग्रिल करके खा लेंगे या फिर इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं तो सबसे पहले इसको छोटे पीसे में कट करना है तो ये हो गया मेरा लंच रेडी बीन्स हंड्रेड ग्राम राइस हंड्रेड ग्राम पनीर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल गया कावज़ मिल गए हेल्दी फैट्स प्रोटीन मिल गया और ग्रीन वेजीज फाइबर मिल चुका है तो ये हमारा आज का लंच हमारी सिंपल सा लंच था हमारा ये पनीर कोई भी घर के बनी वो ले लीजिए और तो साथ में राइस तो हम मिलते हैं प्री पकॉर्ड मिलकर ठीक है राइस तो टाइम हो गया मतलब प्री प्रकाउड मिल लेने का अभी वर्कआउट स्टार्ट करने में ऑलमोस्ट चालीस एक घंटे चालीस मिनट से लेकर एक घंटा बचा हुआ है तो चले मैं बनाता तो हूँ अपनी प्री वर्कआउट मील आज थोड़ा जल्दी जल जल जल्दी कर करना है मतलब भी उतना मन नहीं आज आपने सुबह से मन नहीं कुछ करने का तो ब्रेड ले लेंगे ले 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 और पीना बटर लगा के खा लेंगे और गाइस अगर आपको अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्री वर्कआउट भी ले सकते हो अच्छा सा प्री वर्कआउट भी ले सकते हो बट अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप एक अच्छी मील खा लीजिए और साथ में ब्लैक ऑफी ले लीजिए आप वर्कआउट में बूस्टेड रहेंगे और आपका मन लगा रहेगा तो चलिए पहले दो ब्रेड साइज और दो टेबल स्पून पीनट बटर डिसानो पीनट बटर हंड्रेड परसेंट नेचुरल इसका भी के मैं में डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाल दूंगा जिसको चाहिए वहां से बाय कर सकता है दो स्लाइसिस ब्रेड साथ में दो टेब्सू पीना बटर अब कुछ मिसिंग है कॉफ़ी कॉफ़ी ले आते हैं वर्कआउट खत्म हो चुका है वर्कआउट खत्म होने के बाद मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया सिर्फ मैंने एक स्कूप अपना वे प्रोटीन लिया था वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था एक्चुअली तो वर्कआउट के बाद मैंने लिया है एक स्कूप वे प्रोटीन और अभी मैं चाहूँगा किचन में और बनाता हूँ कुछ अपने लिए अच्छी मील बनाता हूँ जैसे बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट कैलरीज ध्यान में रखनी होती है तो किचन में चलते हैं देखते हैं कि क्या बनाना किचन में क्या क्या पड़ा हुआ अंदर वैसे मैंने सोए चंग्स बॉय करके रख दिए हुए थे आप देखते हैं सोयाचंग लिया हमने 50 ग्राम 30 थर्टी टू फोर्टी ग्राम पनीर और एक अनियन तो इन सबको छोटे छोटे पीसीस में थोड़ा क्रश कर लेते हैं पहले ठीक है हो चुके हैं छोटे छोटे पीसीस में काट दिए हैं अनियन पनीर और सोयाच को पहले इसमें डालेंगे हम यहाँ पे भी ऑयल गर्म हो चुका है राइस ले रहा है रात काब्स नहीं खाते हैं रात को चावल खाने से मोटे हो जाते हैं तो गाय ये टोटली एक मिथ है कि आप मोटे हो जाओगे या कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता एक अब प्रॉपर अमाउंट में अगर जो कुछ भी लोगे तो आपकी बॉडी को कभी हार्म नहीं करेगा तो अब मैं आपको बताता हूँ कि काब्स लेना क्यों जरूरी है वर्कआउट के बाद क्योंकि वर्कआउट के बाद मैंने इसी प्रोटीन शेक भी था अपना ठीक है ना उसके बाद काब्स लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो वर्कआउट में जो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाए वेस्ट नहीं होती जो एनर्जी यूज़ होती है हमारी तो उसी एनर्जी रिसोसेज़ को रिफ़िल करने के लिए काप ज़रूरी है क्योंकि कापज ये जो है आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और हमारे जो एनर्जी जो अनर्जीज होती हैं वह जो ख़त्म हो गई होती है उसको हो तो तो रिफिल करते हैं तो कोई बुराई नहीं है आप फैट लॉस कर रहे हो कुछ कोई भी आपका गोल है तो आप रात को इतने अमाउंट में आप राइस ले सकते हो एटी ग्राम राइस है अराउंड एट्टी टू हंड्रेड ग्राम राइस है इसके अंदर और फिफ्टी ग्राम पनीर है और अराउंड वही थर्टी टू फोटी फिफ्टी ग्राम सोया चंक्स है इससे कोई आपको हार्म नहीं है आप जो मर्जी प्रोग्राम फॉलो करो जो मर्ज़ी वो गोल हो आप सब में डाइट फॉलो कर सकते हो तो ये थी आज की वीडियो तो और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को अगर नए हैं उस पर और कोई अगर क्वेश्चन या आप, आप कोई भी क्वेश्चन हो आपका या फिर आप कोई किस पे चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो वीडियो लाऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना गाइस और तो गाइस ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी क्वेरी हो कोई भी डाउट हो आपको तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल होगा उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन छोड़ दो तो मैं रिप्लाई कर दूँगा वहाँ पे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वहीं